कौन सा वाटर प्यूरिफायर आपके लिए बेस्ट है? क्या आपको सच में आरओ वाटर प्यूरिफायर की जरूरत है? क्या है मिनरल वाटर के पीछे की सच्चाई? किस तरह से ज्यादातर वाटर प्यूरिफाइंग कंपनीज अपनी मार्केटिंग के चलते हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती हैं? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और आप बड़ी आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। पानी जीवन के लिए जरूरी है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि आजकल वाटर बॉडीज का मिसयूज, बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ने पानी को प्रदूषित कर दिया है। इस वजह से एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर लगाना लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुकी है। लेकिन मार्केट में इतने ज्यादा ऑप्शंस और क्योंकि हर ब्रांड के हिसाब से उन्हीं का ही वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी बेस्ट है, एक आम इंसान के लिए अच्छे वाटर प्यूरिफायर का चुनाव करना बड़ा मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन बस और नहीं, आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज भारतीय मार्केट में अवेलेबल है। पहली टेक्नोलॉजी है आरओ। सबसे ज्यादा पॉपुलर है आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। आजकल ज्यादातर लोगों के लिए वाटर प्यूरिफायर का मतलब ही है आरओ। ये सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो गंदे से गंदे पानी को, यहाँ तक कि नमकीन पानी को भी एक ही बार में प्यूरिफाई कर देती है। आरओ टेक्नोलॉजी में पानी हाई प्रेशर से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है जिसके पोर्स का डायमीटर होता है सिर्फ 0.0001 माइक्रोन। इतना छोटा पोर होने की वजह से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही इससे पास हो पाता है। इतनी बारीक फिल्ट्रेशन से 90% से भी ज्यादा गंदगी, हैवी मेटल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं और आपको मिलता है खाली पानी जिसमें इंप्यूरिटीज के साथ साथ पोषक तत्व भी खत्म हो चुके होते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है NF। नैनो टेक्नोलॉजी भी आरओ टेक्नोलॉजी की तरह ही वर्क करती है। फर्क बस इतना है कि NF का पोर साइज होता है 0.001 माइक्रोन। इसलिए ये ऑब्वियस है कि NF कम इंप्यूरिटीज को रिमूव कर पाएगा, लेकिन आरओ की तरह ये पानी का टेस्ट या मिनरल कॉन्टेंट नहीं बदलता। तीसरी टेक्नोलॉजी है UF। UF यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक टेक्नोलॉजी है जो वाटर को प्यूरिफाई करती है बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए। इसमें पानी हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन से पास होता है जिसका पोर साइज होता है 0.01 माइक्रोन। UF टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम पानी से इंप्यूरिटीज बाहर निकाल सकते हैं पानी का मिनरल कंटेंट को बिना डिस्टर्ब किए। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पेड़ पौधे ग्राउंड वाटर को साफ करते हैं। UF आरओ से काफी सस्ता होता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन यही है कि जहां बहुत हार्ड वाटर होता है वहां इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तीनों टेक्नोलॉजीज जो हमने डिस्कस की, ये सॉलिड और केमिकल इंप्यूरिटीज को निकालने में तो सक्षम है, लेकिन सूक्ष्म जीवों को मारने में ये उतनी कारगर नहीं है। इसीलिए ही वाटर प्यूरिफायर्स यूवी चेंबर के साथ ही रिकमेंड किए जाते हैं। यूवी में एक चेंबर होता है जिसमें एक पावरफुल यूवी लैंप लगा होता है। जब पानी इस चेंबर से पास होता है तो अल्ट्रावायलेट रेस छोटे से छोटे बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देती हैं, जिससे पानी पीने के लिए सेफ हो जाता है। अब आपको अलग अलग वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजीज के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अगला सवाल उठता है कि कैसे पता लगाएं कि कौन सी टेक्नोलॉजी मेरे लिए बेस्ट है। इसका जवाब बड़ा आसान है, आपको बस चाहिए होगा एक TDS मीटर। आइए जल्दी से समझते हैं कि क्या है ये TDS मीटर और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। TDS शायद इस स्पेस में सबसे गलत समझे जाने वाली टर्म है। TDS का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब पानी में टोटल काउंट ऑफ मिनरल्स, सॉल्ट्स, मेटल्स और इंप्यूरिटीज। और क्योंकि TDS पानी में पाए जाने वाले नेचुरल मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम को भी इंक्लूड करता है, इसलिए ऐसा समझना कि TDS जितना कम होगा पानी उतना ही बेटर होगा बिल्कुल गलत धारणा है, जैसे कि काफी लोग सोचते भी हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की माने तो पानी के TDS की वैल्यू 500 के अंदर बिल्कुल सेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। थोड़ा और अच्छे से समझें तो आइडियल रेंज ऑफ TDS होती है 100 से 300 के बीच में। अगर आपके घर गवर्नमेंट द्वारा ट्रीटेड पानी आता है तो मोस्ट लाइकली आपका टैप वाटर इसी रेंज में होगा। पानी का TDS 300 से 500 के बीच होना एक्सेप्टेबल है, लेकिन TDS 100 से कम होना सही नहीं है क्योंकि ऐसे पानी में बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं होते। और ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से आजकल लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को मिनरल वाटर समझकर पीते हैं, उसका TDS मात्र 15-20 की रेंज में ही होता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि ज्यादातर सो कॉल्ड मिनरल वाटर की कंपनियां आपको आरओ वाटर ही पिला रही हैं, और आरओ तो 1000 TDS को भी झटके से ही 50 के अंदर ला देता है। बड़ी कंपनियां बस एक आरओ प्लांट सेटअप करती हैं और बस फिर क्या, पानी बेचना चालू। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी में मिनरल्स बचे या ना बचे, उन्हें बस पानी बेचने से मतलब है। और ध्यान रहे कि ये जो अलग से एडेड मिनरल्स डाले जाते हैं ये हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन मुझे गलत ना समझे, मैं आरओ टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि आरओ एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअल में मरीन्स के लिए डेवलप की गई थी ताकि वो समुद्र का नमकीन पानी लेके उसे प्यूरिफाई करके पी सके। तो आप समझ सकते हैं कि आरओ टेक्नोलॉजी ऐसी सर्वाइवल सिचुएशंस के लिए बनाई गई थी, ना कि रोज रोज घर में पानी पीने के लिए। लेकिन कुछ कंपनीज का तो काम ही है लोगों को डराकर प्रॉफिट कमाना। ये एक क्लियर केस ऑफ कैपिटलिज्म है। TDS ज्यादा होने से जरूरी
जरूरी नहीं कि पानी खराब हो। इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें मैंने फ्रेश नारियल पानी का TDS चेक किया तो 3000 से ऊपर निकला। क्यों निकला? क्योंकि नारियल पानी में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। फिर कुछ कंपनीज हैं जैसे टाटा, हिमालयन वाटर, बिस्लेरी वेदिका वगैरह, जिनका पानी सच में मिनरल वाटर कहा जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इतना महंगा है कि एक आम इंसान रोज रोज इस पानी को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जहां मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के मिनरल्स को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू डिसोशिएट किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ऊपर को आपको गंदगी जैसा दिख रहा है, वो एक्चुअली मिनरल्स हैं। मिनरल्स डिसोशिएट होने पे पानी का रंग बदल जाता है। ये एक अच्छा pH टेस्ट भी है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पानी कितना एसिडिक है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एक बार आपके पास TDS मीटर आ गया, जो आप बड़ी आसानी से ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसके बाद अपने घर के टैप वाटर का TDS चेक करें। अगर TDS 500 से कम आता है तो इतना तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपको RO वाटर प्यूरिफायर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने फिर भी RO लगवा लिया तो इससे आपके पानी का TDS इतना कम हो जाएगा कि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। सभी मिनरल्स खत्म हो चुके होंगे और ये पानी पानी ही नहीं कहला पाएगा। ये बस प्यास बुझाने वाले लिक्विड तक ही सीमित रह जाएगा। आपके लिए चीजें थोड़ी आसान करता हूँ। अगर आपके टैप वाटर का TDS 300 से कम है तो अगर आप UF टेक्नोलॉजी फिल्टर को इंस्टॉल करवा लेंगे तो काफी है, जो थोड़ी बहुत जो केमिकल इंप्यूरिटीज होंगी उन्हें निकाल देगा। UF के साथ साथ आप UV भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कोई छोटे मोटे वायरस बैक्टीरिया को उन्हें भी खत्म कर देगा। मतलब 300 TDS के अंदर UF प्लस UV बेस्ट कॉम्बो है। फिर अगर आपके टैप वाटर का TDS 300 से 900 के बीच आता है तो नैनो फिल्टर इंस्टॉल करवाना काफी है। NF क्योंकि मेम्ब्रेन बेस्ड है, जो टाइम के साथ खराब हो जाती है, इसलिए साथ में UV इंस्टॉल जरूर करवा लें। इससे पानी बिल्कुल सेफ हो जाएगा। फिर अगर आपके टैप वाटर का TDS 900 से भी ज्यादा है, बस तभी आपको RO प्यूरिफायर लगवाने की जरूरत है। साथ में UV भी लगवा लें। हाँ, RO लगवाने से मिनरल्स तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आपके घर पानी काफी गंदा आ रहा है। हालांकि मिनरल्स की क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए आप पानी को मिट्टी के मटके या तांबे के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। जी हाँ, मिट्टी और कॉपर के बर्तन पानी में अपने मिनरल्स को डिसोसिएट करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको मेरे पिक्स फॉर द बेस्ट वाटर प्यूरिफायर सजेस्ट करूं, आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि किस तरह से ये बड़ी कंपनियों ने वाटर प्यूरिफायर के 10-15 मॉडल्स निकाल के पूरी मार्केट की खिचड़ी सी पका रखी है। अपनी चीप मार्केटिंग टैक्टिक्स के चलते ये लोगों की इग्नोरेंस को इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको 5 कारण बताता हूँ। नंबर 1, कुछ कंपनियां आपको सबसे शुद्ध पानी देने का वादा करती हैं, ये बता के कि उनके वाटर प्यूरिफायर में RO, UF, NF सब एक साथ लगा हुआ है। ये तो मजाक है। ये तो कोई भी बता देगा कि एक बार अगर पानी छोटी छननी से निकल गया तो बड़ी छननी में डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर RO ही लगा दिया तो फिर चाहे उसमें NF लगाओ या UF लगाओ, कोई मतलब नहीं। और जब आप यही क्वेश्चंस इन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं तो वो आपको अटपटे से जवाब देते हैं। नंबर 2, TDS कंट्रोलर। जब कंपनी को पता लगने लगा कि जनता अब अवेयर हो रही है कि RO TDS को बिल्कुल कम कर देता है, तो वे TDS कंट्रोलर की स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में उतरी। TDS कंट्रोलर कुछ नहीं है, 50 रुपए की एक बाईपास वॉल होती है। ये बस आपके RO के लो TDS वाटर में आपके नॉर्मल टैप वाटर को मिक्स होने देती है। तो इससे होगा ये कि एंड में जो आपको पानी मिलता है उसमें TDS बढ़ा हुआ मिलेगा। TDS तो बढ़ा, लेकिन साथ में इंप्यूरिटीज भी तो आ गई, क्या पॉइंट हुआ उसका। नंबर 3, UV चेंबर्स। कुछ कंपनीज अपने वाटर प्यूरिफायर को सबसे सस्ता बेचने के चक्कर में यूवी चेंबर फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का नहीं बल्कि एल्यूमिनियम का बनाने लगी हैं। एल्यूमिनियम चेंबर की प्रॉब्लम ये है कि पानी एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनाता है, जो ब्रेन के लिए डैमेजिंग है। ऊपर से यूवी चेंबर को हमेशा हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाना चाहिए, ना कि वर्टिकली, ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस को इफेक्टिवली मार सके। नंबर 4, एक और कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है 7-stage 14-stage फिल्टर प्रोसेस। ऑब्वियसली किसी को ज्यादा नॉलेज ना हो तो वो यही सोचेगा कि ज्यादा फिल्टर्स मतलब ज्यादा प्योर पानी। हालांकि ऐसा नहीं है। पानी कितना भी हार्ड या गंदा क्यों ना हो, उसे प्यूरिफाई करने के लिए 4 stages काफी हैं। सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन और यूवी चेंबर। अगर कोई वाटर प्यूरिफायर कंपनी ज्यादा स्टेजेस का क्लेम करती है तो समझ जाइए वो बस ज्यादा कस्टमर्स को फंसाने के लिए मार्केटिंग टैक्टिक अपना रही है। ऐसे केस में कंपनीज 2-4 छोटे छोटे फिल्टर्स बस दिखाने के लिए लगा देती हैं।
नंबर 5, एल्कलाइन कार्ट्रिजेस एक और बज वर्ड है इस मार्केटिंग स्पेस का। एक्चुअली आरओ वाटर थोड़ा एसिडिक होता है, उसको एल्कलाइन करने की कोशिश में कंपनियां आजकल एल्कलाइन कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने लग गई हैं, जो हार्श केमिकल्स का यूज करती हैं, जो हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी क्या है इस वाटर प्यूरिफाइंग मार्केट की रियल गेम, किस तरह से ये कंपनीज एक आम इंसान का डर और इनोसेंस का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरती हैं। शुद्ध पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक सही वाटर प्यूरिफायर को चूज करना। वाटर प्यूरिफायर इतनी ल्यूक्रेटिव मार्केट है कि कमोड बनाने वाली कंपनियां भी अब इसमें घुसने लगी हैं। लेकिन एक जागरूक ग्राहक होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बड़े ध्यान से वाटर प्यूरिफायर का चुनाव करें। Why all the top professional athletes, the top celebrities in the world are already drinking this water. I'm talking people like Tom Brady, Lyoto Machida, Floyd Mayweather, the Seattle Seahawks, the LA Dodgers, Paige Hathaway, Kevin Hart, Grant Cardone, Bill Gates. They're all drinking this special water that comes from this machine. It's called a Kangen water machine. And it's simply because there's three healthy properties that I'm going to be talking about today. Number one, the ORP. Number two, the alkalinity. And number three, the fact that it hydrates the body faster. And so I'm actually going to demonstrate all the healthy properties and show you why it's better for your health, better for the bank account, and it's definitely better for the planet as well. So a question I get often is, can you stop aging? No, you can't, but you can for sure slow it down and you can definitely speed it up based on what you're putting into your body. I have an ORP meter. This is exactly what doctors and scientists use to measure antioxidants. It basically measures the potential to reduce oxidation. So if it's a negative number, that means it's good for us, like vitamin C, green tea, cod liver oil. And if it's positive, that means it's bad for us. It actually increases inflammation and speeds up aging, such as soda, sports drinks, carbonated water, and other bottled waters as well. So let's go ahead and start with soda. Soda comes out at positive 500, so that means it's actually terrible for us, right? And then we have sports drinks that's still coming in at positive 420. Carbonated water comes in at positive 380. Aquafina, positive 390. And see, I didn't put all bad waters, I'm just trying to show you guys. Fiji is still coming in at positive 350. And some people paid triple for that. Smart water, and it says it has antioxidants, so it should be a negative number, right? It's still coming in at positive 330. Don't fall for these marketing schemes and marketing ploys, guys. It's simply just lies. And then we have bottled alkaline water, okay, still coming in at positive 200. Kangen water is at negative 650, which is crazy because there's this doctor, Dr. Filzer, and he says that you cannot possibly eat enough fruits and vegetables in one day to get the same amount of antioxidants as one glass of Kangen water. Now imagine when you and your family start drinking 8 glasses of water every single day. No wonder all these celebrities and top professional athletes are drinking this water and they look younger longer. It's simply because Kangen water has an abundance of antioxidants. Let's talk about the alkalinity of this water. Dr. Warburg actually won a Nobel Prize in 1931 for discovering the root cause of cancer, and he said that cancer and other human diseases cannot exist in an alkaline environment. So what's alkaline? Fruits, vegetables, nuts, seeds, raw juices. What's acidic is everything else. Meat, dairy, egg, cheese, protein, wheat, even the soda, sports drinks, bottled water that we're drinking, even the air that we breathe is slightly acidic. And when we go to the gym, it releases lactic acid, so we simply cannot avoid it. That's exactly why drinking this Kangen water helps us to maintain a healthy pH inside the body. I actually have some pH drops, right? And so when you drop this into a clear liquid, it's going to give you one of these colors. And it's going to tell us if something is causing sickness inside our body or if something is alkaline and promotes health inside our body. So again, let's start with soda, sports drinks, carbonated water, Aquafina, Fiji, smart water. And then this is a bottled alkaline water called Essentia. And then we have Kangen water.
Now, let me go ahead and stir these up for you guys really quick so I can show you what's going on here. So again, soda is so acidic, it's actually almost as acidic as the stomach acid that we use to digest our food. You wanna stay away from that stuff, guys. We have Pellegrino, Aquafina, Fiji, Smart Water. Now, essentially, this looks like it's pretty good for us, right? So let's talk about bottled alkaline water real quick. I want you to turn it around and ask yourself, why does my water have all these ingredients? And it's simply because you cannot bottle real alkaline water. So they had to add all these toxic chemicals to it in order for it to be alkaline by the time it gets to your house. Sodium bicarbonate, potassium sulfate, magnesium sulfate, calcium chloride, and all this stuff added to it. And so the way I like to explain it is, this one has all these ingredients and chemicals and preservatives. This one's fresh, all natural, nothing's added to it. Watch this. The air that we breathe is actually acidic. I don't know if you guys know this. So if this is a chemical change and Kangen water is a molecular change, what happens when you simply add a little bit of air? Look at that. It's fake. By the time this stuff hits your stomach, it's not even alkaline anymore. It has no health benefits. But because Kangen water is true alkalized water and it's ionized, I can sit here all day and it's not gonna change simply because it's the real deal. No chemicals added to it. Let's say that you've been drinking this type of water and your body's a little bit acidic. Now, you'll know when your body is acidic if you are always sick and you're always tired. So let's say you've been buying this Essentia for 3 times the price. You had no idea that it doesn't even have any of these health benefits and it's still acidic. Watch what happens when you start to drink Kangen water. Your body will actually alkalize itself really quickly. You see that? Same thing as Smart Water. If you don't take care of the acidity, that's what turns into acid reflux and heartburn and always chronically fatigued and getting sick all the time. Again, your body will alkalize itself really quickly. Now, again with Fiji. Now Fiji, everybody thinks that's some of the best water out there, but you have to think about it this way, guys. Aquafina and water that's bottled here in the United States, on average, is 4 to 6 months old before you and your family drink it. And that entire time, it's been leaching and absorbing all those toxic chemicals such as BPA in the plastic. Fiji is always going to be 2 to 3 times older. So sometimes you're opening Fiji or Evian, and it could be up to 1.5 to 2 years old. Again, when you start to drink Kangen water, your body will alkalize itself really quickly. And if you have acid reflux and gout and diabetes and arthritis, all this stuff is caused by too much acidity inside the body. Again, your body will alkalize really quickly and you're gonna start to flush all that toxic acidic waste from your body. Now, what happens when your body becomes too acidic? So we actually have some sparkling water right here, okay? Don't blink. One more time. You see that? It tries to go alkaline, but at the end of the day, it's just a bottle full of acid. You just shot a whole bunch of acid into your system. Now, sports drinks like Gatorade, Powerade, Propel, Vitamin Water, I thought the professional athletes were drinking this stuff. Until I started doing more research and found out how many professional athletes are already drinking Kangen water. Think about it, guys. If I'm a professional athlete and I'm paying you thousands of dollars a year as my sports nutritionist telling me what to eat and drink, do you think they're telling our professional athletes to drink a whole bunch of acid when they know that it causes sickness and inflammation inside the body? They're not drinking that stuff. They're dumping it on their coaches. Now watch this. Soda is actually so acidic that it would take about 4 gallons of fresh Kangen water to neutralize one of those bottles that you just shot into your system. This stuff is absolutely detrimental to your body. We're always wondering why so many people are getting sick these days. The number one cause of death for children 14 and younger, it's cancer. Simply because cancer feeds on acid. Here, let me go ahead and prove a point. This is already pretty watered down, right? This is how acidic this stuff is. There's a sip of soda. Sip of soda, sip of soda. See, you're feeling good, you have energy, right? And you start drinking soda again, look what happens to your health. Sip of soda. And it's not the color, guys. Here's fresh Kangen water, pure Kangen water. Look at that.
You want to stay away from that stuff. If you're really serious about your health for yourself and your family, get rid of soda, get rid of sports drinks, and get that stuff out of your kitchen. So the last thing I want to talk about is the micro clustering of the water. It's basically a fancy word for tiny water. When you heat water up, it becomes so small that pretty soon it becomes steam. That's exactly why we need hot water to make tea. So let's go ahead and make some green tea. And so the first thing that I noticed when I started drinking Kangen water was that I didn't get all full and bloated. This water doesn't sit in your stomach, it immediately hits your entire system really quickly. Let's go ahead and make some green tea, and we can use Aquafina first, right? What you'll notice is that it's not going to make green tea simply because it's not hot. It's not small enough to hydrate the tea bag. Kangen water is actually so small that it will immediately make green tea. Look at this. Instant green tea. That's exactly why when we drink bottled water, we get really full, really bloated, right? And let's try to make it with Fiji this time. Nothing. Now, Kangen water, again, since it's so tiny, it's going to instantly brew green tea. If you're a coffee lover, if you like to drink tea, BCAAs, pre-workout, let's just say that this is your coffee and tea, and this is your vitamins and your supplements, your pre-workout, and what they do is they actually just dilute it. We're literally wasting our money if we're mixing our vitamins and supplements with the wrong water. Now, again, Kangen water hydrates the body faster, it helps us to detox, but it also helps us absorb more nutrients. This is what it'll do to your vitamins, your supplements, your protein, your BCAAs, your pre-workout, your energy. It's going to enhance anything that you put with it. What's crazy is there is tea in these cups. You're just not drinking the right water to really pull those nutrients out. Look at that, isn't that amazing? There's no tea left in that cup, right? When you drink the right water, you're going to bring out those nutrients that you didn't know were there. Look at that. Freaked me out the first time I saw it. Remember, this is one machine that makes 5 different types of water. So the Kangen water is alkalized, loaded with antioxidants, helps you detox and hydrate faster. Then you have clean water that's actually really good for baby formula, baby food, and even taking medication. One of our most popular waters, especially for you ladies watching, is the beauty water. It's the same pH as your skin, so you can actually use it as a facial toner, and you can also use it as a setter for all your makeup. Ulta, Sephora, they sell this stuff for like $30 a bottle, and your machine makes it for free. My favorite are gonna be these two. This is the 2.5 strong acidic water, which is actually so powerful that it can kill staph, mold, mildew, fungus, E. coli, salmonella. It's amazing for eczema, psoriasis, cuts, scrapes, burns, diaper rash. It can replace your Lysol, your Clorox, your Mr. Clean, and it's 100% free of all those harsh, toxic chemicals. And so this is the 11.5 strong Kangen. So what we use it on primarily is cleaning in the kitchen to get rid of that tough grease, as well as cleaning your fruits and vegetables to get rid of the pesticides. So I actually have some cherry tomatoes right here, okay? And so what most people do is they go to the store, they buy their cherry tomatoes or all their fresh produce, and they go ahead and they rinse it in tap water. On this side, we're gonna go ahead and just put regular tap water. On this other side, we're gonna put the 11.5 strong Kangen water. We're gonna go ahead and put this one right here on this side. And we're just gonna go ahead and let them sit. While our cherry tomatoes are cleaning, I'm actually gonna show you what's happening to them as we speak. So I actually have some dark sesame oil, and we all know what happens when you mix oil and water, right? When you mix oil and water, they don't mix. We have some sesame oil right here and right here. And I'm using this one because it's dark and it's really easy for us to see. Oil and water don't mix. It's a fact of life. We've known that since what? Elementary school, middle school, and science, okay? Oil, water, don't mix. Look at that. It broke down the oil. It completely emulsified it. This is exactly why people are detoxing their body, lowering their cholesterol, lowering their blood pressure. A lot of people are losing weight just by switching the water that they're drinking. If it can do that to our dark, thick sesame oil, imagine what it could do to our fruits and vegetables. Okay, so again, on this side, we have tap water. And this is what you're taking off your fruits and vegetables when you use regular tap water. Nothing. And this is what you take off when you use the 11.5 strong Kangen water. Look at that. Isn't that disgusting? Look at this.
When I saw this, I couldn't consciously go back to giving this to my family. What is that? That's not green tea. That's atrazine. Google atrazine and see what it does to the body. This stuff is terrible for you, and I know for a fact that I don't want to be serving that to my family. Thank you so much for watching this video. I really appreciate your time. The last thing I want to say is, guys, ignore the hype, but pay very close attention to the facts. There's a reason that so many people all around the world are already experiencing the amazing benefits of having a machine. Get back with the person that invited you to take a look at this video because they truly, honestly, genuinely care about you and your family. True health is the destination, Kangen Water is the vehicle, and now that you've seen this video, you have the opportunity to put yourself in the driver's seat. Thank you so much.